नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल के प्री मैच एनालिसिस में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। तो दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लगभग सभी मैचेस हो चुके हैं और अब कुछ ही मुकाबले बाकी रह गए हैं, जहां पर कुछ टीम जो है प्लेऑफ में जाने के लिए दूसरी टीमों से भिड़ती हुई नजर आ रही है। वेल, आपको बता दें कि अगला मुकाबला जो आईपीएल सीजन 16 का है वो है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई और दिल्ली के बीच में ये जो मुकाबला है 20 मई को खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। दोस्तों आपको बता दें कि ये 67th मैच होगा आईपीएल सीजन 16 का और ये जो मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मुकाबला जीतते ही चेन्नई की टीम सीधे क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। तो वहीं दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहां पर जिस तरीके का प्रदर्शन पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ करती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि पंजाब की टीम को प्लेऑफ्स के लिए वो मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा देखने को मिला कि ना तो खाएंगे और ना ही खाने देंगे। और इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए उस मुकाबले में जीत दर्ज की और पंजाब की किंग्स को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया। तो यहां पर भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम और डेविड वार्नर के जो धुरंधर होंगे यही कोशिश करेंगे कि चेन्नई की टीम को भी इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़े और वो प्लेऑफ में ना जाने पाए। तो दोस्तों, आज के मैच प्रीव्यू में हम कवर करेंगे आईपीएल सीजन 16 के 67th मैच को। वेल, आपको बता दें कि अरुण जेटली स्टेडियम पर अभी इस सीजन अगर देखे जाए तो कितने मैचेस खेले गए हैं, तो टोटल मैचेस हुए हैं 6, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वेल, दिल्ली की बात करें तो यहां पर दिल्ली की टीम ने 6 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां पर कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, किसके लिए ये पिच फायदेमंद साबित होगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें दोस्तों, तो वो रहा है एसआरएच के नाम 197 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर बनाया था 127 का केकेआर की टीम ने। स्कोरिंग पैटर्न पर आ जाते हैं तो फर्स्ट मैच में जो स्कोर रहा था इस पिच पर वो था 162 का, सेकेंड मैच में स्कोर था 172 का, थर्ड मैच में स्कोर था 127 का, फोर्थ मैच में 197, फिफ्थ मैच में 181, तो वहीं सिक्स्थ मैच में दोस्तों 167 का स्कोर बना था फर्स्ट बैटिंग करते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 150 प्लस यहां पर स्कोर 5 बार बन चुका है, तो वहीं 150 से कम का स्कोर 1 बार बना है, यानी कि उम्मीद है कि ये जो मुकाबला होगा चेन्नई और दिल्ली के बीच में यहां पर भी 150 प्लस स्कोर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हेड टू हेड कंपैरिजन पर आ जाते हैं। अब चेन्नई और दिल्ली के बीच में अभी तक टोटल मैचेस कितने खेले गए हैं आईपीएल में, तो 27 मैचेस में दोनों टीम सामने सामने आई हैं, जिसमें से 10 मुकाबले जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने, तो वहीं 17 मुकाबलों में जीत दर्ज की है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें लास्ट 5 मैचेस की, यानी कि पिछले 5 मुकाबले जो इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं, तो वहां पर जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पलड़ा भारी रहा है और 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने, तो वहीं 2 मुकाबलों में जीत का परचम लहराया है सीएसके की टीम। लेकिन दोस्तों, एमएस धोनी के धुरंधर इस मुकाबले को जीतना जरूर चाहेंगे और प्लेऑफ की रेस में पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात की टीम तो प्लेऑफ में काबिज हो चुकी है, अब चेन्नई की बारी है। तो दोस्तों, यहां पर आईपीएल बोनेंजा का पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, और मेरा पहला सवाल यह है कि 67th मैच जो कि चेन्नई और दिल्ली के बीच में होने वाला है, आखिर इसमें क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएगी, कौन सी टीम जीतेगी ये मुकाबला, ये है मेरा पहला सवाल आईपीएल बोनेंजा का। वेल, आपको आईपीएल बोनेंजा के बारे में भी बता देते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल सीजन 16 के साथ आईपीएल बोनेंजा की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हम आपसे पूछते हैं 3 सवाल, जिसके सही जवाब देने पर आप जीतते हैं ढेर सारा रियल कैश प्राइज। वेल, इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये है कि आपको क्रिकेट लाइन गुरु को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर क्रिकेट लाइन गुरु ऑफिशियल को फॉलो करना है, जिससे कि क्रिकेट से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, जो भी लकी विनर होगा उसकी अनाउंसमेंट जो है वो इंस्टाग्राम पर की जाएगी, और अगर आपको लगता है कि आपके 3 जवाब सही है तो आप हमें सीधे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो 3 सवाल है उसके सही जवाब आपको एक साथ देने हैं, फर्स्ट इनिंग से पहले देने हैं मैच की, और उन्हें एडिट बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप उन्हें एडिट करते हैं तो वो आपके आंसर जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और 2 सवालों का इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि ये 2 सवाल आपसे वीडियो में कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली की आखिर प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो यहां पर शामिल रह सकते हैं दोस्तों डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, फिलिप सॉल्ट, राइली रोसो, अमन हकीम खान, यश धुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एंड्रिक नॉर्किया, ईशांत शर्मा और खलील अहमद। तो ये 11 खिलाड़ी दोस्तों हमें नजर आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फिरते हुए, यानी कि डेविड वार्नर यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजेस करने तो नहीं वाले हैं, हालांकि यहाँ पर अक्षर पटेल को एक बार फिर से प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछले मुकाबले में वो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए नजर आए थे। अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स के की प्लेयर्स की, तो डेविड वार्नर यहाँ पर टॉपर बने हुए हैं, जिन्होंने 13 मैचेस खेलते हुए 430 रन अपने बल्ले से निकाले हैं। फिलिप सॉल्ट की अगर बात करें तो 8 मैच
मैचेस में उन्होंने 215 रन्स बनाए हैं। राइली रोसू जिन्होंने 8 मैचेस में 209 रन्स बनाए हैं। वेल बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाफ राइली रोसू ने बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया था। तो यहां पर भी उम्मीद है कि राइली रोसू अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा अगर ऑलराउंडर खिलाड़ी की बात करें तो अक्षर पटेल का नाम हमने शामिल किया है जिन्होंने 13 मैचेस खेलते हुए 268 रन बनाए हैं। तो वहीं गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। इनके अलावा मिचेल मार्श हैं जिन्होंने 12 विकेट चटकाए हैं 9 मैचेस खेलते हुए। ईशांत शर्मा की अगर बात करें तो पंजाब किंग्स के खिलाफ 36 रन्स देकर उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे। तो वहीं एंजिक नौरखिया ने भी 36 रन्स देकर 2 विकेट चटकाए थे पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो दोस्तों ये हो गए दिल्ली के धुरंधर। इसी के साथ आईपीएल बोनांजा का दूसरा सवाल भी मैं आपसे यहां करना चाहूंगी और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आखिर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम पावर प्ले में कितने रन स्कोर करेगी। आपका जो आंसर होगा वो 5 रन के डिफरेंस में होना चाहिए। तो दो सवाल मैं आपसे कर चुकी हूँ, अब पढ़ते हैं वीडियो में आगे। और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो एमएस धोनी के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी खबरें आ रही हैं कि एमएस धोनी नेक्स्ट आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, शायद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे में टीम इस मुकाबले को जीतकर सीधे प्लेऑफ में पहुंचना जरूर चाहेगी। तो ऐसे में सीएसके की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी, एमएस धोनी किन 11 खिलाड़ियों को देंगे मौका प्लेइंग 11 में शामिल होने का, ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शामिल रह सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और महेश दीक्षाना। तो चेन्नई के ये 11 खिलाड़ी हमें नजर आएंगे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भिड़ते हुए। अब बात करें यहाँ पर की प्लेयर्स की दोस्तों, तो डिवॉन कॉनवे है यहाँ पर जिन्होंने 498 रन बनाए हैं 13 मैचेस खेलते हुए। इनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ है जिन्होंने 425 रन बनाए हैं 13 मैचेस खेलते हुए। शिवम दुबे की अगर बात करें तो वो भी इस सीजन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आए और 363 रन वो बना चुके हैं 13 मुकाबलों में। अजिंक्य रहाणे की अगर बात करें तो 11 मैचेस में उन्होंने 282 रन स्कोर किए हैं। तो ये हो गया बैटिंग ऑर्डर। अब बात करें बॉलिंग की दोस्तों, तो यहाँ पर तुषार देशपांडे शानदार गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आए हैं आईपीएल सीजन 16 में 13 मैचेस में उन्होंने 19 विकेट चटकाए हैं। रविंद्र जडेजा ने 16 विकेट लिए हैं 13 मैचेस खेलते हुए। और आखिरी नाम है मथीशा पथिराना का जिन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं 9 मुकाबले खेलते हुए। तो दोस्तों ये हो गई सीएसके के की प्लेयर्स की बात। अब फाइनली कंक्लूजन की अगर बात करें तो उससे पहले आपसे तीसरा सवाल भी मैं आपसे कर लेती हूँ दोस्तों। और तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि 67th मैच जो कि दिल्ली और चेन्नई के बीच होने वाला है, यहाँ पर कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो कि प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा, ये है मेरा तीसरा सवाल। तीनों सवाल मैं आपसे कर चुकी हूँ। पहला सवाल था कि आखिर ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, दूसरा सवाल था कि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम पावर प्ले में आखिर कितने रन बनाएगी, इसका आंसर 5 रन के डिफरेंस में होना चाहिए। साथ ही तीसरा सवाल है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर दोस्तों। तो जैसा कि आप पिछले बोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं, यानी कि सेकंड बैटिंग करते हुए टीम को ज्यादा फायदा मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टीम टॉस जीतती है वो ये मुकाबला जीती हुई नजर आएगी अगर वो पहले गेंदबाजी करना चूज करती है और दूसरे नंबर पर बैटिंग करना। लेकिन अगर ऑन पेपर टीम की बात की जाए दोस्तों तो चेन्नई की टीम यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रही है और चेन्नई की टीम ये मुकाबला भी जीतती हुई नजर आ सकती है, यानी कि दावेदार जो है चेन्नई की टीम ही नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने तीनों सवालों के जवाब हमें जरूर बताएं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट और आईपीएल के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट टाइम गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।